महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के पास सोमवार को विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वीके सिंह ने राष्ट्रीय सेवा योजना के सभी स्वयंसेवकों और विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं को स्वच्छता के लिए शपथ दिलाया। उसके बाद राष्ट्रीय सेवा योजना परिषद में कुलपति शिक्षक शिक्षिकाओं ने झाड़ू लगाया और वृक्षारोपण किया। कुलपति ने कहा कि स्वच्छता हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, इसके लिए समाज को जागरूक करने के लिए अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। हमें अपने देश, राज्य, जिला, नगर और आसपास के परिवेश को स्वच्छ बनाकर गांधी के सपनों को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं सहित भारी संख्या में राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए कुलपति प्रोफेसर वी के सिंह ने कहा, सब लोग एक हाथ आगे लगा निकाले, महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था, उसमें सिर्फ राजनीतिक आजादी ही नहीं थी, बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना भी की थी। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर माँ भारती को आजाद कराया। हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं स्वच्छता के प्रति सजग रहूँगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा, न किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, अपने परिवार से, मेरे मोहल्ले से, अपने मोहल्ले से, मेरे गांव से, अपने गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं यह मानता हूँ कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं, उसका कारण यह है कि वहाँ के नागरिक गंदगी नहीं करते और न ही होने देते हैं। इस विचार के साथ मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत की मिशन का प्रचार करूंगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूँ वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा। वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें, इसके लिए प्रयास करूँगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। स्वच्छता सबके प्रतीक के रूप में हमें का रोपण करेंगे, उसके लिए मैं सभी को राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यालय में आमंत्रित करूंगा। स्वच्छता दिवस के इस अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी हमारे आचार्यगण, हम प्रिय विद्यार्थियों, अन्य कर्मचारी बंधु, अन्य नागरिकगण, आप सभी को मालूम है कि बीमारी की जड़ जो है वह सफाई न होना होता है, कि तमाम जो हमारे विषैले बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, वह इन बीमारियों की वजह से पनपते हैं। और हम चूँकि गंदगी आसपास जब देखते हैं और उस पर ध्यान नहीं देते तो उसका असर बहुत व्यापक होता है और महामारी के रूप में पूरा मोहल्ला, देश हमारा ग्रसित हो जाता है। और थोड़ी सी सावधानी अगर बरती जाए तो हम बीमारियों से बच सकते हैं और उसकी वजह से होने वाले जो बहुत सारे हमारे जो मेडिकल पे जो एक्सपेंसेस हैं वो जो हमें बाद में खर्च करने पड़ते हैं, परिवार भी डिस्टर्ब हो जाता है। घर में एक आदमी बीमार हो जाए तो पूरा का पूरा परिवार भी डिस्टर्ब हो जाता है, रुपए पैसे तो खर्च होते हैं, समय भी जाता है। तो थोड़ी सी सावधानी बरती जाए, आसपास हम सफाई रखें, गंदगी स्वयं न करें, दूसरे कर रहे हैं उनको टोकें, सिर्फ मानसिक जागरूकता की ज़रूरत है।
इसमें कोई भी किसी तरह का कोई एक्सपेंस नहीं है। हम आप युवा पीढ़ी के छात्र हैं, देश का निर्माण आपके हाथों में है और हमारा देश जो कि विशाल जनसंख्या वाला देश है, तो अगर 125 करोड़ लोग और करीब 250 हमारे हाथ हैं, वो अगर सफाई की तरफ बढ़ जाएंगे तो देश हमारा निश्चित रूप से अति सुंदर होगा और महात्मा गांधी जी का जो सपनों का भारत है वो साकार होगा। इस अवसर पर NSS के जो हमारे विद्यार्थी हैं और हमारे उससे जुड़े हुए जो आयोजकगण हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ इस कार्यक्रम के लिए। और साथ ही साथ आप एक मिसाइल मैन की तरह आगे बढ़ेंगे, समाज में जागरूकता पैदा करेंगे। आपके ऊपर सिर्फ दायित्व ये नहीं है कि NSS के कार्यकर्ता होने की वजह से कि आप अपने को ही इसमें इन शौक सफाई में लगाएं, आप आसपास जो आपके संपर्क में जितने भी युवा वर्ग है सबको सचेत करें और इससे होने वाले नुकसान को आप बताएं। स्वयं पब्लिक जागरूक होगी और हमारा देश एक महान राष्ट्र के रूप में, एक स्वच्छ राष्ट्र के रूप में स्थापित है और भविष्य में भी और बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पीछे इधर साइड से हो जाए सर। हमारा जो प्रतिष्ठित जीत रहा है हमारे देश में स्वच्छ भारत, स्वच्छ स्वास्थ्य के बारे में जो भारत सरकार की योजना है कि बच्चों में, युवा पीढ़ी में जागरूकता पैदा करना कि स्वच्छता हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है और स्वच्छता न होने की वजह से तमाम तरह की बीमारियों को हम आमंत्रित करते हैं और भविष्य में भी हमारे बहुत सारी समस्याएं जो होती हैं, खासकर पूर्वांचल के क्षेत्र में जहाँ के पानी और कचरे की प्रचुरता है, अगर इसमें थोड़ी सी सावधानी रखी जाए स्वच्छता पे तो बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं हम लोग। और न किसी एस्थेटिक सेंस सुंदरता का भाव होता है, हमारे मस्तिष्क, मन मस्तिष्क पे भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो हमारे युवा वर्ग इसमें आगे हैं, खासकर NSS के छात्र हमारे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और जागरूकता फैला रहे हैं समाज में। ये बहुत ही हर्ष का विषय है।